झांसी में खजुराहो से उदयपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लग गई। ट्रेन मऊरानीपुर स्टेशन पर पहुंची तो M2 के AC पैनल से धुआं निकल रहा था। धुआं पूरे कोच में भर गया। यात्रियों का दम घुटने लगा, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अफरा तफरी मच गई, यात्री ट्रेन से कूद भागने लगे। कुछ ही देर में कोच खाली हो गए। आग की सूचना पाकर ट्रेन के गार्ड और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल कर आग पर काबू पा लिया गया। लोगों का कहना है कि सतर्कता के चलते बड़ी घटना होने से बच गई। करीब 40 मिनट तक ट्रेन मऊरानीपुर स्टेशन पर खड़ी रही। जांच पड़ताल के बाद ट्रेन को झांसी के लिए रवाना किया गया। इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 19665 आज सुबह मध्य प्रदेश के खजुराहो से उदयपुर के लिए रवाना हुई थी। ट्रेन करीब 45 मिनट की देरी से दोपहर 12:32 पर मऊरानीपुर स्टेशन पहुंची। यहां यात्री उतरे तो उनको M2 कोच के AC पैनल से धुआं निकलता हुआ दिखा। इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी गई। आग लगने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। कोच के भीतर बैठे यात्री अपना अपना सामान लेकर नीचे कूद गए। तुरंत ट्रेन के गार्ड और रेलवे अधिकारी भी पहुंचे। रेलवे कर्मचारियों ने अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाया।